हेलो एवरीवन, आप इस वीडियो में जानेंगे कि पाइथन में इनपुट फंक्शन का क्या यूज़ है। पाइथन इनपुट फंक्शन इज़ यूज टू टेक इनपुट फ्रॉम द यूज़र। पाइथन इनपुट फंक्शन का यूज़ किया जाता है यूज़र से इनपुट लेने के लिए। इनपुट फंक्शन ऑलवेज रिटर्न्स अ वैल्यू ऑफ स्ट्रिंग टाइप। इनपुट फंक्शन हमेशा स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू को रिटर्न करता है। यूज़र चाहे इंटीजर वैल्यू इनपुट करे, चाहे फ्लोट वैल्यू इनपुट करे, चाहे वो बुलियन वैल्यू इनपुट करे, चाहे वो स्ट्रिंग वैल्यू इनपुट करे, लेकिन रिटर्न कौन सी वैल्यू होगी? स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू रिटर्न करता है पाइथन का इनपुट फंक्शन, राइट? ये मैं आपको एग्जाम्पल की हेल्प से भी समझाऊंगी। अब इसका सिंटेक्स देख लेते हैं। वेरिएबल टू होल्ड द वैल्यू। अब यूजर जो भी वैल्यू इनपुट करेगा, राइट, वो कहाँ पे जाके स्टोर होगी? दिस पर्टिकुलर वेरिएबल। वेरिएबल में जाके स्टोर होगी। तो इसका सिंटेक्स क्या है? वेरिएबल टू होल्ड द वैल्यू इक्वल्स टू इनपुट, और इनपुट फंक्शन में क्या दिया जाता है? प्रॉम्प्ट दिया जाता है, राइट? प्रॉम्प्ट क्या होता है? वो टेक्स्ट होता है जो यूजर को बताता है कि आपको कौन सी वैल्यू इनपुट करनी है, राइट? तो इसको एग्जाम्पल की हेल्प से समझ लेते हैं। एक हमने यहाँ पे क्या लिया? वेरिएबल लिया नेम। नेम इक्वल्स टू इनपुट। इनपुट फंक्शन के अंदर प्रॉम्प्ट दिया है एंटर योर नेम। और अब क्या करेगा यूजर? इस प्रॉम्प्ट को पढ़ेगा एंटर योर नेम, तो अपना नेम एंटर करेगा। नेम एंटर करने के बाद, ओके, आप कहोगे नेम एंटर करेगा या नेम इनपुट करेगा, राइट? नेम जो इनपुट होगा वो कहाँ चला जाएगा? वो नेम वेरिएबल के अंदर जाके स्टोर हो जाएगा, राइट? अब आप क्या करोगे? उसको प्रिंट करा दोगे। यहाँ पे हमने क्या किया? प्रिंट फंक्शन में दे दिया नेम इज। अब देखो ये डबल कोट्स में है, ये एज इट इज आ जाएगा। उसके बाद आपने दे दिया नेम वेरिएबल। तो नेम वेरिएबल में जो भी वैल्यू आपने इनपुट की है, राइट, वो आ जाएगी। ओके, अब इसको हम एग्जाम्पल की हेल्प से करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हमने अपना आइडियली ओपन किया है। इसमें हम फाइल क्रिएट करते हैं। न्यू फाइल ले लिया, फाइन। तो जो अभी मैंने आपको एग्जांपल समझाया था, यहाँ पे मैंने वेरिएबल ले लिया नेम। ओके, देन इनपुट फंक्शन से हम यहाँ पे क्या करेंगे? यूज़र से नेम को एंटर कराएंगे। तो मैंने यहाँ पे प्रॉम्प्ट दे दिया एंटर योर नेम, एंटर योर नेम। ओके, फाइन। अब नेम इनपुट हो जाएगा, नेम वेरिएबल में जाके वो स्टोर हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे? इसको प्रिंट करा देंगे। प्रिंट नेम इज नेम, फाइन, नेम इज नेम। ओके, अब नाउ सी, इसको सेव कर लेते हैं। कंट्रोल एस, कोई भी फाइल नेम दे देते हैं इसको। इसको मैंने दे दिया इनपुट, इनपुट ही नेम दे दिया, ठीक है, फाइन। इसको हम अब एग्जीक्यूट करेंगे। आ गया एंटर योर नेम। अगर मैंने यहाँ पे नेम दे दिया दीप्ति, राइट, तो आ गया नेम इज दीप्ति, सिंपल, फाइन। ओके, अब यहाँ पे क्या हुआ? हमने क्या किया? यहाँ पे इनपुट फंक्शन की हेल्प से प्रॉम्प्ट आया एंटर योर नेम, और यूज़र ने अपना नेम एंटर किया और वो नेम आपने बाद में डिस्प्ले करा दिया। ओके, तो ऐसे इनपुट फंक्शन की हेल्प से आप वैल्यू एंटर करते हो। अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं इसी के अंदर, फाइन। अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे मैं करती हूँ एंटर, कुछ और करती हूँ, एक दूसरा हम फंक्शन बनाते हैं। यहाँ पे इसको हटा देते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा num1, num1 equals to input enter number 1, ठीक है। आपको पहले नंबर 1 को एंटर करना है, एंटर नंबर 1, ओके। देन आपने दे दिया num2 equals to input एंटर नंबर 2, ओके, एंटर नंबर 2, फाइन। अब यहाँ पे देखो मैं सम निकाल रही हूँ इन दो नंबर का। मैंने यहाँ पे लिखा num1 प्लस num2, राइट, और उसके बाद प्रिंट करा दिया। प्रिंट करा दिया मैंने यहाँ पे सम इज सम, फाइन। देखो अब ये प्रोग्राम मैंने क्यों बनाया है, ये जब इसका रिजल्ट आएगा तब आपको समझ में आएगा। इसको मैंने सेव कर लिया और फिर रन कर दिया, रन कर दिया। एंटर नंबर 1, तो नंबर 1 मैंने कर दिया 5, ओके। फिर मैंने एंटर नंबर 2 भी क्या कर दिया? 5, ओके। अब देखो मेरा सम क्या है? 55 आया है, राइट। तो यहाँ पे मेरा क्या हुआ? यहाँ पे इन दोनों का कॉनकैटिनेशन हुआ है। इन दो, ये दो नंबर हैं वो ज्वाइन हुए हैं,
ठीक है, कॉनकेटेनेशन मीन्स इनका ज्वाइनिंग हुआ है. ज्वाइनिंग क्यों हुआ है, क्योंकि यहाँ पे जो मैंने नंबर एंटर कराया है वो इनपुट फंक्शन ने एज अ स्ट्रिंग रिटर्न किया है. फाइन, एज अ नंबर रिटर्न नहीं किया, एज अ स्ट्रिंग रिटर्न किया है. फाइन, अब देखो अगर मैं इसका टाइप आपको यहाँ पे प्रिंट करती हूँ, मान लो मैंने यहाँ पे प्रिंट किया प्रिंट, ठीक है, टाइप किसका, सम का टाइप. सम का टाइप अगर हम निकालते हैं, अगर नंबर का टाइप निकालेंगे वो भी स्ट्रिंग आएगा. और अगर आप देखो नंबर का भी प्रिंट करा देते हैं, प्रिंट टाइप नम वन, चलो नम वन एक ही नंबर का मैं दिखा देती हूँ, नम वन, प्रिंट टाइप नम वन और प्रिंट टाइप सम. ओके, इसके बीच में थोड़ा गैप ले लेते हैं, प्रिंट एम्प्टी फंक्शन ले लेते हैं. फाइन, ओके, सेव कर लिया एंड एफ फाइव. अब देखो एंटर नंबर वन, अब दोबारा से एग्जीक्यूट होगा, मैंने अगेन इधर फाइव लिया, यहाँ पे फाइव लिया, तो क्या आ गया, सम इज़ फाइव फाइव. अब देखो मैंने पहले क्या किया था, सम का टाइप प्रिंट कराया था, वो क्या आ रहा है, स्ट्रिंग क्लास. और जो सेकंड मैंने नंबर वन का भी टाइप प्रिंट कराया था वो भी आ रहा है स्ट्रिंग, दोनों स्ट्रिंग आ रहे हैं. ओके, क्योंकि यहाँ पे जो भी वैल्यू आप इनपुट करा रहे हो इनपुट फंक्शन उसे एज अ स्ट्रिंग ले रही है. राइट, तो अगर आप उस पर कोई अरिथमेटिक कैलकुलेशन करोगे, कोई मैथमेटिकल फंक्शन अप्लाई करोगे, तो वो क्या होगा, वो उसको एज अ स्ट्रिंग कंसिडर करेगा और उस पर एज अ स्ट्रिंग ही अप्लाई होगा. फाइन, ओके, तो अब हम क्या करेंगे, हम अपने प्रोग्राम पे आ जाते हैं. यहाँ मैं सम चाहती हूँ, तो मैं इनपुट फंक्शन में क्या करूँगी, एक और फंक्शन का यूज़ करूँगी, मैं इंट का फंक्शन करूँगी. यहाँ पे हम टाइप कास्टिंग कर रहे हैं, तो जो भी यूज़र वैल्यू इनपुट कराएगा, ओके, इन जो इंट फंक्शन है, राइट, वो उसको कन्वर्ट कर देगा इंटीजर में. ओके, तो यहाँ पे मैंने इंट कर दिया, इंट फंक्शन का यूज़ कर लिया, तो यहाँ पे टाइप कास्टिंग हो रही है, एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग. राइट, ओके, अब रन करेंगे एफ फाइव. अब देखो, अब मैं सेम नंबर यहाँ पे दूंगी, फाइव, नंबर टू फाइव. अब देखो सम इज 10, और देखो सम की क्लास भी क्या है, इंटीजर, और नंबर की क्लास भी क्या है, इंटीजर. फाइन, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या किया है, उसको कन्वर्ट कर दिया है फ्रॉम स्ट्रिंग टू इंटीजर. लुक एट दिस, फ्रॉम स्ट्रिंग टू इंटीजर. ओके, तो इनपुट फंक्शन का जो बेसिक जो यूज़ है वो क्या है, यूज़र से इनपुट लेना, ओके, और उसे उस इनपुट को एज अ स्ट्रिंग रिटर्न करना. फाइन, ओके, तो यहाँ पे देखो इनपुट फंक्शन सिंपली आप यूज़ कर सकते हो. अगर आपको स्ट्रिंग वैल्यू लेनी है तब तो आपको कोई भी टाइप कास्टिंग की ज़रूरत नहीं है, बट अगर आप नंबर वैल्यूज ले रहे हो वहाँ पे आप टाइप कास्टिंग करोगे बाय यूजिंग डिफरेंट फंक्शंस लाइक इन फंक्शन, फ्लोट फंक्शन, यूज ऑफ योर इनपुट फंक्शन. ओके एवरीवन, इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज लाइक इट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माय चैनल. थैंक यू.